लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर है बेतिया से, जहां भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिकटा धांगटोली के सोरो में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद सरकार और पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है। भोपाल लैब से सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही सोरो में बीमारी की पुष्टि हुई वैसे ही विभाग अलर्ट हो गया और सरकार के आदेश पर सोरों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके तहत पटना से पशुपालन विभाग की टीम सिकटा धांगटोली पहुंची। इस दौरान प्रखंड प्रशासन और सिकटा थाना के साथ साथ पशुपालन पदाधिकारी भी मौजूद थे। पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि अभी 25 सोरों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है, लेकिन यह एक संक्रामक बीमारी है जो दूसरे सोरों में भी फैल सकता है, इसलिए यहाँ के सभी सोरों को मारने का आदेश है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक सुअर को ही मारा जा सका, जबकि अन्य सोरों की तलाश की जा रही है। हालांकि जैसे ही टीम धांगटोली पहुंची वैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। बेतिया से चंदन चौधरी। तो धांगटोली में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैला हुआ है, इसको भोपाल लैब से कंफर्म हो गया, पॉजिटिव आ गया, इसलिए बिहार सरकार के तरफ से आदेश हुआ है इसको कलिंग करने के लिए। कलिंग एक किलोमीटर दायरे में मार देना है, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक सभी आदेश दिया हुआ है। जिलाधिकारी हस्ताक्षर से आदेश निकला हुआ है और पटना का टीम जो आई ए और जिला प्रशासन के सहयोग से कलिंग का व्यवस्था की जा रही है। कलिंग हो रहा है, कितने को अनुदेश लगा अभी तक तो एक सुअर मारा गया है, बाकी को पूछा जा रहा है। कितने चिन्हित है? चिन्हित तो 25 थे, लेकिन बीमारी ऐसी है कि 100% मोर्टेलिटी, तो कुछ मर सकता है इसमें, चार हो गया तो चार उसके मर सकता है। बाकी जो हम लोग सोच कर मारने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन के लिए आना लगा हुआ है। सहयोग आया।